पीएम किसान सम्मान निधि योजना में यदि आपने भी आवेदन किया था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था और आपका आवेदन अप्रूवल हो गया है, स्टेट गवर्नमेंट से आपको अप्रूवल मिल गया है और आपको एक मैसेज प्राप्त होता है, फार्मर हैज ऑलरेडी हैज बीन रजिस्टर्ड पीएम किसान पोर्टल, प्लीज चेक योर स्टेट फार्मर कॉर्नर अंडर बेनिफिशियरी स्टेटस आता है। दोस्तों यह मैसेज जब आता है, जब आपका फॉर्म अप्रूवल हो जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। अब दोस्तों जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, जब आप बेनिफिशियरी स्टेटस को लॉगिन करते हैं, तो बेनिफिशियरी स्टेटस को लॉगिन करने के बाद में जब आप देखते हैं तो आपका ऐप टू प्रोसीड नो होता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि आपको ऐप टू प्रोसीड नो को यस कैसे कर सकते हैं और जो भी पीएम किसान सम्मान निधि का जो भी किस्त का रुका हुआ पैसा है उसे आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। पीएम किसान पोर्टल पे आने के बाद में यहां से हम अपना जो बेनिफिशियरी स्टेटस होता है उसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको यहां से मिल जाएगा नाउ योर स्टेटस, तो सिंपली आप इस पे ओके कर देंगे और ओके करने के बाद में आपको यहाँ से मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। दोस्तों ठीक है, आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और यहाँ से कैप्चा डाल देंगे और गेटअप डाटा पे ओके कर देंगे। यदि आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, न्यू किसान भाई है, तो आपको सिंपली यहाँ से नौ या रजिस्ट्रेशन नंबर पर ओके करना है। इसके जरिए आप रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ से निकाल सकते हैं। दोस्तों हमारे पास में रजिस्ट्रेशन नंबर है तो सिंपली रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और गेटअप डाटा पे ओके। दोस्तों यहाँ से हमने एक किसान भाई का स्टेटस को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उसके नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और उसके नीचे आपको यहां से रजिस्ट्रेशन डेट मिल जाएगी। इन किसान भाई का जो फॉर्म है वो 21/7/2023 को अप्रूवल हो गया था, इन्हें अप्रूवल मिल गया था और इन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि का जो इंस्टॉलमेंट का एक भी पैसा नहीं मिला है और इनका एक्टिव प्रोसेस नो आ रहा है। दोस्तों उसके बाद में आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस मिल जाता है। अब दोस्तों आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस में सब कुछ चेक कर लेना है कि हमारा एलिजिबिलिटी स्टेटस में सब कुछ कंप्लीट है। यदि आपको यस यस आ रहा है और आपको एक्टिव प्रोसेस नो आ रहा है और आपका लैंड शेडिंग यस है, ई केवाईसी स्टेटस भी यस है, आधार बैंक अकाउंट सीटिंग भी यस है, फिर भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलता है और आपका एप्टू प्रोसीड नो आ जाता है और उसकी वजह से आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा है वो आपके खाते तक नहीं पहुंच पाता है। दोस्तों सबसे पहले आपको जो एप्टू प्रोसीड नो आ रहा है तो आपको पीएफएमएस का जो स्टेटस होता है वो आपको चेक कर लेना है। यदि आपका जो पीएफएमएस स्टेटस है वो एक्टिव आता है, आधार कार्ड सीटिंग आता है, पेमेंट मोड आधार आता है, तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो आपको मिल पाएगा। दोस्तों पीएफएमएस चेक करने के लिए उसके लिए आपको न्यू ब्राउजर ओपन कर लेना है। न्यू ब्राउजर ओपन करने के बाद में आपको यहां से डाल देना है ऐप डब्ल्यू जो हमारा होता है और ऐप डब्ल्यू डालने के बाद में आपको डालना है पीएम किसान, तो सिंपली हम इस पे ओके कर देंगे और ओके करने के बाद में आप उसके बाद में आपको फर्स्ट नंबर मिल जाएगा होम और सेकंड नंबर पे आपको मिल जाएगा लास्ट पीएफएमएस रेफरेंस, तो सिंपली आप इस पे ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद में थोड़ा सा इससे टाइम लगेगा, उसके बाद में यह स्टेटस लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ से जो स्टेटस है वो लॉगिन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ से यूआरएल मिलेगा, एक यूआरएल मिलेगा दोस्तों आपको आरजे और स्टार स्टार मिलेगा, आप सिंपली इसे हटा देंगे। आपको जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, उसके बाद में आप सिंपली यहाँ से इसे एंटर पे ओके कर देना। दोस्तों हमने यहाँ से एक किसान भाई का जो पीएफएमएस होता है उसे लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा रिकॉर्ड रेडी टू सेंड पीएफएमएस डेट, आपको मिल जाए कि इनका जो पीएफएमएस से लिंक हुआ था खाता 25/7/2023 को इनका लिंक हो गया है और इनका जो पीएफएमएस रेफरेंस है वो एक्सेप्ट हो गया है और पीएफएमएस रेफरेंस डेट आपको मिल जाएगी 25/7/2023 को एक्सेप्ट हो गया था। और दोस्तों यहाँ से जो पेमेंट मोड है वो आधार कार्ड है, मतलब दोस्तों इनका सभी डाटा सही है, फिर भी इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का जो किस्त का पैसा है वो इनके खाते तक नहीं पहुंच पाया है। अब दोस्तों बात रही कि आपका ऐप टू प्रेसेंट नो आ रहा है, सभी डाटा आपको सही आ रहा है, फिर भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो क्यों नहीं मिला। तो ऐप टू प्रेसेंट नो जब आता है कि आपका जो पैसा है गवर्नमेंट की तरफ से आपके खाते में नहीं डाला गया है, आपको भेजा नहीं गया है, और ऐप टू प्रेसेंट यस जब होता है जब आपका डॉक्यूमेंट का सत्यापन हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट से सफलतापूर्वक सत्यापन हो जाता है, लैंड सीटिंग सत्यापन हो जाएगा, तभी आपका ऐप टू प्रोसीड यस होगा, तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा। दोस्तों यदि दोस्तों आपका लैंड शेडिंग या सभी यहां से एलिजिबिलिटी स्टेटस ओके आ रहा है और आपका ऐप टू प्रोसीड नो आ रहा है,
तो आपको इस बीच में कुछ दिन का वेट कर लेना है, क्योंकि ऐप टू प्रेसेट दोस्तों इसे ऑनलाइन ठीक नहीं कर सकते, ऑफलाइन भी ठीक नहीं कर सकते। ऐप टू प्रेसेट अब ऑटोमेटिक इसे यस होता है दोस्तों, कहीं जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ऐप टू प्रेसेट का मतलब होता है जब दोस्तों गवर्नमेंट का पैसा डाला जाता है आपके खाते में, ऐप टू प्रेसेट ऑटोमेटिक आपका यस हो जाएगा। जब गवर्नमेंट आपका पैसा रिलीज करती है आपके खाते में पहुंचाती है तो आपका ऐप टू प्रेसेट यस हो जाएगा दोस्तों, आपको यहां से इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी। अब दोस्तों जो न्यू किसान भाई हैं उन्हें इंस्टॉलमेंट पहली किस्त का पैसा मिलेगा, या उन किसान भाइयों ने जब से रजिस्ट्रेशन किया है तब से पैसा मिलेगा। दोस्तों जो पीएम किसान सम्मान निधि का न्यू आदेश जारी हो गया है, अपडेट हो गया है, जिन किसान भाई का फॉर्म अप्रूवल हाल फिलहाल में हो रहे हैं, जिस इस वर्ष हो रहे हैं, तो उन किसान भाई का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा आएगा, पुराना पैसा नहीं आएगा। जब से आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ वो किस्तें आपको नहीं मिलेंगी, आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलने के बाद में आपको पुराना पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों।